तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये डेकोरेशन लाइट कितना अच्छा वर्क करती है और मैंने इसको स्पेशल तरीके से बनाया है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो मैं इसकी मेकिंग भी आपको दिखा देता हूँ, तो ये कितना अच्छा वर्क करता है और कितने अच्छे मैंने कलर भी चूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर टांग दिया है और ऊपर भी कितना अच्छा ये दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं इसकी मेकिंग की ओर। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कैंडल स्टिक जो इजीली मार्केट में मिल जाती है, और ये बहुत सारी है मेरे पास। ये थोड़ी ही ले दिखाई है मैंने, लेकिन ये मेरे पास बहुत सारी है और ये मार्केट में से मैं 30 रुपये में लेके आया हूँ, और ये इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। जो हमारी बेकरी होती है वहाँ पर ये इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर मैं फेविकॉल की मदद से इसको चिपका दूँगा। आप ग्लू स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो या फिर फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेविकॉल सबसे बेस्ट है। तो मैं फेविकॉल से यहाँ पे चिपका देता हूँ सारे के सारे कैंडी स्टिक को। और आप कोई से भी शेप ले सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे शेप बनाए हुए जो मैं आगे वीडियो में दिखाता भी हूँ, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा तो आपको भी वो शेप मैं दिखा दूँगा बाद में। तो अभी मैं इसको चिपका दूँगा, और ऐसे आपको 4 पीसेस लेने हैं और 4 पीसेस को मैं आपस में चिपका दूँगा। तो यहाँ पर मैंने 4 पीसेस को ले लिया है और उसको मैं आपस में चिपका दूँगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने चिपका दिया है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 10 वोल्ट्स के बल्ब, जो आप इजीली मार्केट में से ला सकते हो और ये बहुत सस्ते मिलते हैं। तो ये इसको जीरो बल्ब भी बोला जाता है, और ये बहुत सारे हैं मेरे पास अलग अलग कलर के हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। तो मैं इसमें वायरिंग के भी प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। वायरिंग बहुत ही सिंपल है, आपको सारे के सारे जो होल्डर होते हैं हमारे जो बल्ब को फिट करने के लिए होते हैं, वहाँ पे हमको इसको सारे वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। मैं सारे वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं स्क्रू भी टाइट कर देता हूँ, और इसको मैं पैरेलल में ही कनेक्ट करना है। सारे के सारे होल्डर्स को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारी कैंडल स्टिक के स्ट्रक्चर है वहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है, और इसकी टेस्टिंग भी दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये नाइट में कितना अच्छा देख रहा है और कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो मैं इसकी टेस्टिंग भी दिखा दी है, और जो हमारे वायरिंग है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो सारे होल्डर है उसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। सारे के सारे होल्डर पैरेलल में कनेक्टेड है, एक के बाद एक सारे होल्डर दिखा देता हूँ मैं। 8 बल्ब की सीरीज बनाई हुई है मैंने, आप चाहे जितना रख सकते हो। तो यहाँ पे जो होल्डर है वो 10 रुपये में आपको बाज़ार में से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर है उसको मैं तैयार कर देता हूँ। बहुत सारी अलग अलग शेप का मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको फेविकॉल की मदद से चिपका देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे अलग अलग शेप के ले लिए है। यहाँ पे मैं सारे शेप वन बाय वन दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हो आप वीडियो में भी। तो यहाँ पे मैं सारे शेप वन बाय वन दिखा देता हूँ आपको। मैंने सारे शेप जो हमारे कैंडल स्टिक के होते हैं वो मैंने तैयार कर दिया है। काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर के मैंने बनाए हुए हैं, काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के बनाए हुए हैं। जैसा चाहे वैसा बना सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो हमारा होल्डर होता है वो होल्डर मैं इसमें डाल दूंगा और इसकी वायरिंग भी कर दूंगा। तो आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, मैंने सारे के सारे होल्डर्स लगा दिए हैं, और ये मैं ज़मीन पर रख के अभी दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं जो मेरी छत है वहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने सारे के सारे कैंडल स्टिक के स्ट्रक्चर में मैंने सारे के सारे बल्ब लगा दिए हैं, आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। और ये कितना अच्छा नाइट में भी दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये दिख रहा है नाइट में भी, और ये डे में भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। यहाँ पे जो पूरा का पूरा हमारे डेकोरेशन LED है वो मैंने तैयार कर दिए है, और इसको LED नहीं, इसको LED नहीं बोल सकते हो, ये बल्ब मैंने लगाए हुए हैं। तो इसके लिए मैं तो भी मैं छत पे भी टांग के दिखा देता हूँ आपको। और ऐसे आपको 8 बल्ब लेने हैं। तो यहाँ पर मैं जो हमारा तो यहाँ पे मैं मेरी छत पे टांग दिया है, और बहुत ही अच्छा ये दिख रहा है। और यकीन मानिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये दिखता है, और जो अलग अलग कलर है वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं यहाँ पे। आपको कितना अच्छा ये दिख रहा है, और इस बात पे लाइक बनता है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे मैं इसका दूसरा वाला पार्ट भी दिखा देता हूँ। तो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, लाइक भी कर देना। एक और वीडियो आने वाला है, वो एक दिन के बाद आ जाएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिएगा और उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे करके हमारा आने वाला वीडियो जो एक दिन में आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
तो इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट से दिखाया हुआ है, तो फ्रंट से भी बहुत ही अच्छा दिखता है। और जो वो दिख रहा है आपको मुंडी निकालते हुए, वो मैं हूँ। वहाँ पे मैं गलती से आ गया था। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।